कपड़े चपल पसीने से शराबूर, तपती गर्मी में पुलिस रनिंग टेस्ट में इस बाहिम्मत लड़के ने पहली पोजीशन हासिल की। दोस्तों, इस पाकिस्तानी लड़के की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसने इस्लामाबाद पुलिस के रनिंग टेस्ट के अंदर पहली पोजीशन हासिल की। मजे की बात यह थी, ये गरीब घर का लड़का जो कि अपनी टूटी हुई चप्पल के साथ ही रनिंग देने के लिए पहुंचा, वो साफ कैंडिडेट से आगे आगे था। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी अपनी गाड़ी रोककर इसकी वीडियो और टिकटॉक बनाते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रनिंग टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल करने वाला ये लड़का कौन था। आज की हमारी ये वीडियो इस बहादुर और गरीब लड़के के नाम डेडिकेट की जाती है। अगर आपको इस लड़के से प्यार है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिंदाबाद लिखकर अपनी चाहत और प्यार का इजहार कीजिए। दोस्तों, इस्लामाबाद पुलिस के रनिंग टेस्ट में अव्वल आने वाले लड़के का नाम मुस्तफा था, जो कि कोटली सतिया का रहायशी है। इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती की गैर से टूटे हुए चप्पल पहने दौड़ लगाकर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले मुस्तफा अहमद को डीआईजी इस्लामाबाद सैयद अली रजा ने खसूसी तौर पर अपने दफ्तर मदऊ किया, इसकी हौसला अफजाई की, इसे ट्रैक सूट और शूज तोहफे में भेज दिए, जहाँ पर तमाम उम्मीदवार बूट और ट्रैक सूट के साथ रनिंग कर रहे थे। ये नौजवान लड़का अपने टूटे हुए जूतों के साथ आम शलवार कमीज के अंदर ग्राउंड के अंदर आ पहुंचा। वो सभी उम्मीदवारों से आगे आगे था। वो लड़का था और इसके साथ साथ पुलिस वालों की गाड़ियां। पुलिस वाले इसको थपकी देते हुए इसका हौसला भी बढ़ाते रहे थे और इसके साथ साथ सेल्फियां और टिकटॉक भी बनाते रहे। और एक पुलिस वाले ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की, जो कि देखते देखते वायरल होने लगी।